सरकार सरकार के पास कोई प्रस्ताव है भी नहीं, ठीक है। वो सिर्फ केवल का और केवल समय निकालना चाहती है। देखो आंदोलन तो हैगा इसी का, असी तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है भी मंत्रियों से हम बातचीत लंबी करें और कोई ना कोई हमारे पक्ष में निर्णय आए, और हमें कुछ ऐसा लगा नहीं मीटिंग में। मुझे लगता कोई बात पे ऐसी बात हुई नहीं, अगर कुछ मिल जाता तो फिर हमारा निर्णय शायद और। देखो गलबात तो जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, अब कुछ मीटिंग में वो दे या ना दे उनकी मर्जी है। देखिए हमने सीधा किया, अपने हरियाणा को कश्मीर की वादी बना दिया, और जिस तरह से इंटरनेट बंद हो रहे हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है पूरे, और अभी पूरे पूरे जहां से अब दिल्ली में डिटेन हो गए किसान, मध्य प्रदेश में डिटेन हो गए, पूरे देश भर में डिटेन हो रहे, इसके बावजूद हमारा बड़ा दिल था हम बात करने गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप इतना तंग कर रहे हो फिर भी बात करेंगे, देशवासियों को ये ना लगे कि हम अपनी ओर से बातचीत करना नहीं चाहते, मिल बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहते। कोई 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 मुझे कुछ भी कोई ऑफर नहीं है, बस समय समय समय। नहीं जी बिल्कुल मैनू नहीं लगता वो सरकार दस दे अनाउंसमेंट करके। देखो बहुत बड़े पद से लखां किसान इकट्ठे ने बॉर्डर। देखो मैं कहना भी लम्मी सार मंग पत्र लम्मा चौड़ा सी गलबात चली, कला समा मंगया जांदा जी, होर कोई प्रपोजल नहीं है। मैनू लगदा कोई समा भी नहीं, वो दस दे भी नहीं किन्ने चे निबेड़ांगे। हां 10 बजे देखो मौके मुनासिब देखदे, असीं नहीं चाहुंदे हजे सवेर तक सरकार को टाइम हैगा, शायद कोई अनाउंसमेंट आ जाए। देखो ये तो सरकार ने सोचना, हमने सभी सारी बात अपनी उनके सामने रख दी, अब सुबह 10 बजे तक। देखिए मेन एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, देखिए आप कहते हैं ये हरियाणा है, हरियाणा के लोग चाहेंगे उनके रास्ते बंद किए, हरियाणा के लोग चाहेंगे तो रास्ते खुल भी जाएंगे, ये हरियाणा पे सब चल रहा है। जबरदस्त है जी हरियाणा का सपोर्ट है, ताही हरियाणा नु कश्मीर च बदलिया गया। और जथेबंदियां आई आपके साथ? बिल्कुल आज मनजीत सिंह जी राय आए हैं हमारे साथ, और भी जूनियर सारे। मैनू लगता कोई जथेबंदी एहो जी इस वेले नहीं हैगी जिहड़ी सानू सपोर्ट नहीं कर रही। मैं कहना 10 बजे आपां बॉर्डरां तों अगे तुरंगे। ओके ओके, तो आप देख सकते थे ये है।